the basic function of kidney in our body is to remove waste products from the body, and especially water and certain toxins which are accumulated in body. लेकिन किडनी का इसके अलावा हमारे बॉडी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें कि जो लोगों को नहीं पता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किडनी का है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना. किडनी इज़ एन ऑर्गन विच कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर की बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि किडनी पे एक्ट करती हैं. इसके अलावा किडनी हमारे बॉडी में कैल्शियम का बैलेंस उचित मात्रा में बनाती है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती और हड्डियों में बीमारी नहीं होती. विटामिन डी का बैलेंस बनाती है, विटामिन डी को अब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारी बोन हेल्थ अच्छी रहती है. इसके अलावा किडनी आल्सो मेंटेन्स अ क्रूशियल बैलेंस ऑफ द ब्लड पीएच, यानी कि खून में जो एसिड और बेस की मात्रा है उसको बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट करके रखती है. किडनी आल्सो हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग हीमोग्लोबिन. किडनी में एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और आदमी की हीमोग्लोबिन अच्छी रहती है और किसी को अनीमिया नहीं होता. किडनी डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक जनरल टिप्स होती हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने ब्लड प्रेशर का उचित कंट्रोल रखना. अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली हमें चेक कराते रहना चाहिए, ताकि ब्लड प्रेशर से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों से जिससे किडनी ख़राब होती है उनसे हम किडनी को प्रोटेक्ट कर सकें. डेली का जो सोडियम इनटेक है, या कॉमन लैंग्वेज में जिसको हम सॉल्ट इनटेक कहते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए. वाटर का इनटेक शुड बी रेगुलर एट रेगुलर इंटरवल्स, और दिन भर में 24 घंटे में करीब करीब 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए. और किडनी के जो डैमेज का एक प्रमुख कारण होती हैं मेडिसिंस, जो कि जैसे कि पेन किलर्स हैं या और भी कई ओवर द काउंटर मेडिसिंस होती हैं जो कि हम बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं. और स्पेशली अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन है जिसको हमें लंबे समय तक लेना है, तो उसको बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेना चाहिए. और पेन किलर्स बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज हैं किडनी में डैमेज करने का, और कई अब आज के समय में कई ऐसी बीमारियां हैं किडनी में जो कि पेन किलर से होती हैं. और सबसे ख़राब बीमारी ये है जिसमें कि किडनी पूरी तरह से किडनी फेलियर हो जाता है. इसके अलावा हमें शुगर का भी कंट्रोल प्रॉपर रखना चाहिए. डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दो ऐसे कॉमन कारण हैं जो कि 60-70% मरीजों में किडनी फेलियर पैदा करते हैं. तो डायबिटीज़ यानी कि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर, इन दोनों का कंट्रोल अच्छे से रखेंगे तो हमारी किडनी में प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, एवरीबडी शुड गेट देयर किडनी स्क्रीन्ड आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स. साल में एक बार किडनी के टेस्ट होने चाहिए, जिसमें कि एक यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट, किडनी का अल्ट्रासाउंड और सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट अवश्य कराते रहना चाहिए, ताकि हमें किडनी में कोई भी बीमारी अगर उत्पन्न हो रही है तो उसका जल्द से जल्द पता लग सके और हम उसका पूरी तरह से इलाज कराकर स्वस्थ हो सकते हैं.